दोस्तों, मेरा पहला वीडियो में देखा था कैसे ACCL 23 DY कॉन्फिगर करते। इस वीडियो में दिखाऊंगा ए डिवाइस के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करूंगा, इसको खोल के मैं दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है ए डिवाइस के अंदर। तो चलिए देखा दो। पहले आप लोगों को लाएगा एक स्क्रू ड्राइवर, ठीक है ना। स्क्रू ड्राइवर से आपको खोलना है जो स्क्रू है, देखिए कितना सारा स्क्रू है, जो सारा स्क्रू है साइड से खोल के फिर दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है। पहले जितना सारा स्क्रू है मैं इसको खोलूंगा। पहली बार खोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है ना। इतना सारा स्क्रू है साइड से खोल लूंगा। और दो स्क्रू बाकी खोलने के लिए। और एक स्क्रू बाकी है। देखिए जितना सारे स्क्रू है वो मैं खोल दिया हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये जो ढकना है इसको मैं ओपन करूंगा। देखिए इसके अंदर क्या है, एक मदरबोर्ड है और एंटीना का जो वायर रहता है LMR केबल वो है। तो मैं देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। तो मदरबोर्ड को मैं बाहर निकल लूंगा। अंदर में जो चार स्क्रू है वो खोलूंगा मैं।
चार स्क्रू है अंदर में, तीन में खोल दिया, छोटा छोटा स्क्रू है सब। चलिए स्क्रू फिर बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है ना। चलिए ये जो ड्राइवर है बहुत ही बड़ा हो गया, चार नट खोल दिया है। देख सकते मेरा खोलने का मतलब है यही पर कोई रिसेट स्विच है कि नहीं वो जानने के लिए मैं खोला था। एक्चुअली डिवाइस मुझे पिंग नहीं आ रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए मेरे डिवाइस रिसेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने खोला था रिसेट करने के लिए। रिसेट हो जाए तो डिवाइस मेरा काम पे लग जाएगा दूसरा कस्टमर में। तो देखिए रिसेट स्विच ये है, तो मैं इसको अभी रिसेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका पीओई है इसको जो पीओई है, सबसे पहले पीओई में मैं पावर दूंगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए पीओई पावर कोड, ठीक है ना। तो मैं पहले वीडियो में दिखाया था कैसे इसको सेटअप करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ पीओई को। तो देख सकते हैं मैं इसको लगा दिया, ठीक है, कलरिंग में एल ए रेड लगा दिया,
जीते मतलब जो अर्थिंग है, ग्राउंड है, ग्राउंड लगा दिया, इन्हें न्यूट्रल जो अर्थ है वो लगा दिया, ठीक है ना। तो देख सकते यहीं पर मार्किंग किया हुआ है, देख सकते आप लोग। तो अभी मैं इसको जो कवर है लगा दूंगा। अभी मैं इसको पावर दूंगा, ठीक है, पावर में लगाएंगे। देखिए यहीं पर लाइट आ गया, तो मैं इसको रिसेट मारूंगा पहले। इसका जो केबिल है पीओएस है, यहीं पर लगाऊंगा और एक कभी यहीं पर डालूंगा। देख सकते हैं मेरा यहीं पर लाइट आ गया, सर्किट में जो मदरबोर्ड है उसमें लाइन आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑन करूंगा, ऑन करके वहीं पर कनेक्ट करके देखूंगा, नहीं तो पिंग कैसे मिलेगा मुझे। तो मैं चलिए मेरा कंप्यूटर ऑन करता हूँ। देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा कंप्यूटर में मैं आईपी दूंगा, कीबोर्ड में थ्रू। कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ। अभी कंप्यूटर ओपन हो रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो कम कर रहा है। मैं नेटवर्क सेटिंग में रहूंगा, जहाँ पर आईपी चेंज करते हैं। फिर मैं इथरनेट ऑप्शन में जाऊंगा, फिर चेंज सेक्टर ऑप्शन में जाऊंगा। फिर देखिए यहाँ पर जो इथरनेट नोक है, मैं राइट साइड क्लिक करूंगा, फिर प्रॉपर्टीज में क्लिक करूंगा, फिर मैं यहीं पर आईपी दूंगा। देखिए यहीं पर आईपी दूंगा मैं, जो डिवाइस का डिफॉल्ट आईपी होता है 192 डॉट 168 डॉट 1 डॉट, मैं लैपटॉप में 5 दूंगा, फिर सबमिट मार दूंगा 255 255 255 0, फिर मैं ओके कर दूंगा। अब मैं इसका जो डिफॉल्ट आईपी है उसमें मैं पिंग चला के दिखाऊंगा, पिंग आता है कि नहीं। तो सीएमडी क्लिक करूंगा, फिर कमेंट क्रोम खोलूंगा, फिर PING पिंग स्पेस 192.168.1.1, फिर स्पेस
फिर माइनस में क्लिक करके टी पेस्ट करूंगा, फिर इंटर दबाऊंगा। एक बार जो है मेरा डेस्कटॉप में अभी पिंग नहीं आ रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी मेरा जो डिवाइस है उसको मैं रिसेट करूँगा, ठीक है, रिसेट बटन से। तो चलिए देखिए, मेरा जो डिवाइस है, ठीक है, मैं अभी ये रिसेट करूँगा, जो रिसेट बटन है ऊपर में, इसको मैं एक बार क्लिक करूँगा। कोई काम नहीं आ रहा है, रिसेट नहीं हो रहा है। लगता है जो डिवाइस है, ये डिवाइस ख़राब हो चुका है, ठीक है, लगता है ख़राब हो गया, इसलिए रिसेट भी नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो रिसेट नहीं हो रहा है, मेरा डेस्कटॉप में इतना टाफ है लेकिन रिसेट नहीं हो रहा है। तो इसको मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी रिसेट नहीं हो रहा है, पावर ऑफ ऑन करके देखता हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है। इसको तो लाइट है, तीन लाइट ही जल रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं अभी जैसा जैसा था ऐसे ही लगा दूंगा, क्योंकि ये तो रिसेट नहीं हो रहा है ना, ये एकदम डायरेक्ट फॉल्टी हो गया, इसलिए रिसेट भी नहीं हो रहा है। देख सकते हैं इसके अंदर ये सर्किट है, ठीक है, और ये ऊपर में रिसेट बटन है, लेकिन इसका जो कवर है ऊपर में, देखिए रिसेट बटन का जो ऑप्शन रहता है वो खाली है पूरा, ये मॉडल का 23DY का देख सकते हैं आप लोग, इसलिए मैं खोला था, अगर रिसेट हो जाता तो डिवाइस अच्छा हो जाता, लेकिन डिवाइस रिसेट नहीं हो रहा है और ये डिवाइस सच में फॉल्टी हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
क्योंकि मैं ऐसा वीडियो मेरा चैनल में हमेशा डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अभी जो एड जैसा था ऐसे मैं लगा दूंगा इसको, जैसा लगाना था वैसे ही लगा दूंगा। तो चलिए डिवाइस लगाता हूँ, जैसे था ऐसे ही कवर लगा दूंगा, मैं फिटिंग कर दूंगा। तो दोस्तों मैं देखा दिया डिवाइस के अंदर क्या क्या है, एक सेल डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा था डिवाइस को रिसेट करने के लिए, तो रिसेट नहीं हो रहा है, एक्चुअली डिवाइस फॉल्टी हो गया, ठीक है। इसलिए मैं खोल के देखा था, मैं खराब डिवाइस है इसलिए खोला था, अगर ओके डिवाइस था लेकिन तो मैं नहीं खोलता। तो चलिए ये डिवाइस फिर जैसे था फिर से ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। पहले मेरा ये जो कवर है कवर ले लूंगा, कवर लेने के बाद जो ये डिवाइस जैसे था ऐसे मैं अंदर डाल दूंगा। देखिए जैसे था ऐसे बैठ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा इसका जो स्क्रू है मैं स्क्रू लगा दूंगा। इसको जो LMR केबल खुला था मैं इसको सही जगह में बैठा दूंगा। तो मैं मदरबोर्ड को सही से फिटिंग कर दिया, अब मैं इसको लगा दूंगा जैसे था। चलो बैठा दिया, अब जो जितने सारे स्क्रू है स्क्रू ड्राइवर में लगा दूं, स्क्रू लगा दूंगा इसके अंदर।
हेलो दोस्तों, देख सकते हैं जैसे था एसी मैंने फिर से लगा दिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।